ओम शांति। आज की तारीख है 17/7/17 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। जो बेताज बादशाह है, शाहों का शाह है, वो हमें भी डबल सिरताज बनाने आए हैं। तो ऐसे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। एक तो शारीरिक हिंसा वो छोड़नी है, दूसरा सूक्ष्म हिंसा, विषय विकारों की हिंसा वो भी त्याग करना है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। बाबा कहते हैं आप योद्धे हो, परंतु योद्धे बनकर क्या करना है, माया जो पांच विकार दुश्मन है उन पर तुमको विजय पानी है, तो तुम रूहानी योद्धे हो। प्रश्न है छोटा मुख और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से शाहूकार बना देते हैं, और तुम बच्चे भी कहते हो कि हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं, हम साधारण युद्ध करने वाले नहीं, लेकिन हम बहुत पराक्रमी योद्धे हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं। हाँ, जब हम उनको कहते हैं ना हम पूरी दुनिया को स्वर्ग बना रहे हैं, तो हमारी बात को सुनकर हंसते हैं, वो समझ नहीं सकते। तुम्हारे जैसी बातें करना किसी को आएगा भी नहीं। तुम इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बताते हो, जो बातें दुनिया वाले तुम्हारी सुनने के बाद भी वो करना चाहे तो भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम डायरेक्ट बाप से सुन करके और इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने छोटे मुख से करते हो। गीत बजा है आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है। हाँ, रेस करते हैं तो रेस कौन सी, हार और जीत की नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की रेस करनी है। तो माया के तूफान से डरना नहीं है, पर विजय जरूर बनना है। याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। अगर हम अपने को हर बात से सलामत रखना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं आप कैसे सलामत रह सकते हो। एक बाबा को याद करेंगे तो वो याद के किले के अंदर आप सलामत रहेंगे। नंबर दो है श्री मत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन यानी गुप्त, लेकिन वेरी वेरी वेल नोन, लेकिन फिर भी बड़े प्रख्यात वॉरियर्स हैं। ऐसे हम योद्धे हैं। तो इस रूहानी नशे में रहना है। वरदान है सतगुरु बाबा का अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं कि जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है, सेवा है। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, रूहानी दृष्टि से, श्रेष्ठ वृत्ति से, भाई भाई की श्रेष्ठ वृत्ति से
और श्रेष्ठ दैवी गुण से भरे हुए कर्म माना कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। सभी ने नोट किया? ऐसे नहीं वाचा सेवा करने वाले फुल मार्क्स लेते हैं, या टेबल सेवा करने वालों को फुल मार्क्स मिलती है, या फिर धन सेवा करने वाले फुल मार्क्स लेंगे। बाबा कहते नहीं, हर एक को सब प्रकार की सेवा करके और फुल मार्क्स लेने हैं। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षी होकर के अपनी सीट पर बैठकर और हम यदि कोई बात का निर्णय करें तो बाबा कहते हैं यही तुम्हारा असली तख्त है, क्योंकि उससे तुम निर्णय राइट कर पाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।